Hello dear students, once again welcome to my online class. Dear students, आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं. हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन को किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाएंगे. जैसे आप 20 मैंगो आपके पास है, सपोज दैट 20 मैंगो आपके पास है, 1/2 आपने उसको खा लिया, कितने मैंगो बचे? आपके पास एक ब्रेड है, कुछ ब्रेड है, और कुछ ब्रेड को आप जो पार्ट दिया है उसका आपने 3/4 पार्ट खा लिया, तो कितना पार्ट खाया? इस टाइप के क्वेश्चन को चलिए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे. बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा. मैं एक ही क्वेश्चन को ऐसे आपको समझाऊंगा कि बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं. सपोज दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज One upon two of 20. इस 20 का सपोज है 20 rupees. 20 rupees का 1/2 क्या है? 1/2 किसका निकालना है? 20 का. कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. बहुत इजी है. 1/2 आपको मल्टीप्लाई नंबर कर देंगे एंड 20 आपको मल्टीप्लाई नंबर कर देंगे और 20 बार किस मल्टीप्लाई होता है? न्यूमरेटर. सो डियर स्टूडेंट, 1 × 20/2 इज इट क्लियर? 2 × 20, 1 × 10 = 10. 20 का 1/2 कितना होगा? 10 होगा. 20 का आधा कितना होगा? 10 होगा. कितना आसान है. क्या करेंगे हम? 1/2 आपको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर देंगे और ये डिनोमिनेटर का ये 20 को मल्टीप्लाई करता है और डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देते हैं. चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 of 30. ये आपका सेकंड क्वेश्चन, 1/2 of 30. इसे कैसे करेंगे देखते हैं. बहुत इजी है. 1/2 × 30 = 1 × 30/2. क्लियर? क्या किए इस नंबर को हमने नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर आकर डिवाइड बाय योर डिनोमिनेटर. सो वंस अगेन 2 × 2 and 2 × 5 = 10. 1 × 50 = 50. 1/2 of 30, 40 का आधा क्या होगा? 15 होगा. अगर 30 मैंगो आपके पास है उसका 1/2 पार्ट हमने दे दिया तो कितना दिया? 15 मैंगो. बहुत इजी. कैसे कर रहे हैं? हमारा वर्क क्या है ये ध्यान देना. हम क्या कर रहे हैं? जो नंबर है उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करते रहे हैं और डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते रहे हैं. यहाँ पर क्या किया? 1/2 × 3 = 1/30 upon 2. 30 upon 2 choose the converse in your lowest term. हम क्या करें उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी 2 × 2 and 2 = 15 या 30. बहुत इजी है. चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. 1/2 of 16. 1/2 of 16 इसे कैसे करेंगे? सेम वही, कोई डिफरेंट वर्क नहीं है, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं. 1/2 × 60 = 1/60/2 and this fraction is to the convert in your lowest term and your lowest term is 2 × 2.2 radia 60. 1 × 8 = 8. 1/2 × 16 = 1/16/2. हमें जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर जिसका हमें निकालना है फ्रैक्शन 1/2 निकालना है, वो नंबर हमारा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता है एंड देन आफ्टर जो हमारा डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे. उस नंबर में जो आएगा वही हमारा नंबर हो गया. वही हमें जानना था. क्या है ये क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन को. 1/2 1/2 एक क्वेश्चन और देखते हैं. 1/4 क्वेश्चन नंबर 4 1/4
क्लियर? देखिए कैसे 1 upon 4 multiply 100 is equal to 1 multiply 100 upon 4. अब इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20 is equal to 1 multiply 25 upon 1, इसको हटा दिया 25. कितना हुआ? 1 upon 4 मिस होता है. हाँ, 1 upon 4 अब और आप आंसर देंगे. 1 upon 4 of 100. 100 rupees को 1 upon 4 यानी 1 fourth 100 का 4 part. 100 को 4 part equal part में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने रुपए होंगे? अगर 4 लोगों को 100 रुपया दिया जा रहा है, 100 रुपया आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है कि आप आपस में सभी लोग बराबर बराबर बांटें, तो हम कैसे जाएं, कैसे करेंगे? 1 upon 4 of 100 यानी एक आदमी को कितना मिलेगा? 25. क्लियर? 1 upon 4 of 100. So 1 upon 4 multiply 100, 1 multiply 100 upon 4 is equal to 25. कितना आसान है? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं. 1 upon 3. क्वेश्चन नंबर 5. 1 upon 3 of 1 upon 3 कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 upon 3 का 27 ले लेते हैं. 27. क्या करेंगे? 1 upon 3 of कोटा देंगे multiply 27 is equal to 1 multiply 27 upon 3. 3 by 3 and 3 9 by 27. 1 multiply 9 is equal to 9. 27 का 1 upon 3 यानी 3 equal part में divide करना है. आसानी से करेंगे. 1 upon 3 of 27, 1 upon 3 multiply 27 is equal to 1 multiply 27 upon 3, 3 9 by 27, 9 by 9, 9 is your answer. Is it clear? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं. एक क्वेश्चन और देखते हैं. 1 upon 3 of 15, 6 and last 1 upon 3 of 15. So dear student, go and get it. 1 upon 3 multiply 15 is equal to 1 multiply 15 upon 3. Is equal to 3 was the 3 and 3 5 is the 15. 1 multiply 5 is equal to 5. कोई दिक्कत? कुछ नया वर्क नहीं हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए. कुछ न्यू वर्क नहीं कर रहा. क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन हमें क्या लेना है? फाइनल फ्रैक्शन. हमें जो नंबर दिए गए हैं उनके हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालना है. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 20 है, 20 का 1 upon 2 बताना है. 20 का 1 upon 2 मीन हाफ बताना है. 20 का हाफ 10 होता है, लेकिन कैसे होता है ये देखिए. 1 upon 2 multiply 20, 20 का multiply में numerator में किया 1 multiply 20, then after divide by 2, 2 10 या 20 10 बन जाए, 10 क्या होता है? 10 होता है. Next step, 1 upon 2 of 30, 30 का आधा बताना है, 15 होता है, लेकिन कैसे होता है? 1 upon 2 multiply 30 is equal to 1 multiply 30 upon 2, 2 15 या 30 या 2 1 या 2 1 2 5 या 10, 15 बन जाए 50, 15 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया. फिर 30 का 1 upon 2, 50, 40 का 1 upon 2, 20. चलिए डिफरेंट करते हैं. 1 upon 2 को हटाते हैं, 1 upon 4 दिया जाता है. 1 upon 4 ऑफ 100, 100 को 1 upon 4 बताना है, क्या होगा? 100 rupees का 1 upon 4 क्या होगा? 100 rupees है तुम्हारे पास, 100 rupees है, उसका 1 4th हमें दीजिए. कितना देंगे आप? कैसे जानेंगे, कैसे बनाएंगे? तो 1 upon 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 100 क्या आ जाएगा? 25. Because 100 divided by 4. 425 का 100. 4 to the h. 2 यहाँ पे बचा है, 20 हो गया. 4 5 जाते हैं. 25 divided by 1 is 25. Very easy. एक और देखते हैं. 1 upon 3 of 50. 50 rupees का 3 लोगों में divide कर रहे हैं. कितने कितने मिलेगा तो तुम जानते ही हो. 5 5 rupees को मिलेंगे. So, dear student, कैसे मिलेंगे? कैसे ना? कोई बड़ा नंबर को हम कैसे करेंगे? तो हमें फॉर्मूले में चलना है. 1 upon 3 of 50 is equal to 1 upon 3 multiply 50. 3 5 is 50, 5 is 5. एक आदमी को
सो डियर स्टूडेंट, आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका जो निकालना रहेगा कितने पार्ट में, 1/2, 3/2, 4/2 या 1/4, 3/4, कुछ भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके जान सकते हैं। आई होप क्लियर टू पीपल। ओके डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, खुद लगाइएगा और इस बार आप प्रैक्टिस करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूला